अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर से होंगे, फिटफाट होंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 6:30, क्रॉस कर रहा हूँ बस्ती मलोक, और क्या मौसम है, मतलब क्या बताएं आपको। थोड़ी थोड़ी फॉग है, स्मोग है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से स्मोग इस बार नहीं हुई है साउथ पंजाब में। जो स्मोग होती है वो ज़रा उसमें सांस घुटता है, तो ये मतलब ज़रा वेट वेट सी है। आई थिंक ये धुंध होगी, फॉग होगी। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो मैंने एक कमिटमेंट की थी कि मैं पूरे साल में 3 बुक्स रीड करूँगा। फिलहाल बुक्स रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। अभी तक मैं ऑडियो बुक सुनता रहा हूँ बावलपुर से बसने मलोक तक। ज़रा नींद आ रही थी, फिर मैंने कहा चले व्लॉग कर ले, क्योंकि व्लॉग एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब अपना दिल लगा रहता है व्लॉगिंग से। देखें भाई कर रहे हैं जॉगिंग, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। मौसम की ज़रा हालत देख लीजिएगा भैया। मोहतरम नाजरीन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं चल रहा हूँ मुल्तान एयरपोर्ट सुबह सुबह। मुझे क्यों जाना पड़ रहा है या मैं आपको रास्ते में जाके बताऊँगा, मतलब मैं आपको बताऊँगा। अभी मुझे ज़रा नींद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई टक शॉप आएगी तो वहाँ रुकेंगे, ज़रा कॉफ़ी या चाय पियेंगे। आधा घंटा पहले फुल डार्क मौसम था, मतलब अंधेरा था। जैसे दिन हो रहा है ये फॉग शो हो रही है, मतलब इसकी भी अपनी फील है। अगर इतनी रहे, ज़्यादा फॉग में तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है। और सुबह सुबह मुझे क्यों ट्रैवल करना पड़ रहा है हम ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे। रोड की हालत आपको बताई जाए, मतलब यहाँ पे आप 60-70 में जाएँ मैक्स, बस इससे ऊपर आप जाएँ ना। अगर आपके पास बाइक है तो और भी आप मोहतात तरीके से बाइक चलाएँ। आज का व्लॉग, आज का सफ़रनामा बावलपुर से लोधरा, लोधरा से मुल्तान, और मुल्तान में मुल्तान एयरपोर्ट सफ़र शुरू है। बाकी की दास्तान बताएंगे ऐसे धीरे धीरे। अभी मैं मौसम को इंजॉय करते हुए स्कूल से जा रहा हूँ मुल्तान। मुझे पहुँचना है 7 बजे तक मुल्तान एयरपोर्ट पे। बाकी मिलते हैं आपको ज़रा अगले स्टॉप पे, कहीं चाय वगैरह पियेंगे, ज़रा फ्रेश होएंगे, आपको मौसम का सुबह सुबह का हाल बताएँगे। एक बात मैं करना भूल गया था, जो बलूचिस्तान वाली सीरीज़ थी बाइक राइड मैंने की थी उसके बारे में, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं फ्री टाइम में भी वही देख रहा हूँ तो अपने व्लॉग्स, मतलब बड़ा बहुत मज़ा आता है। जितनी बार देखता हूँ मतलब क्रेज़ और बढ़ता है। और आपकी राय दरकार है, मतलब कैसे लगे हैं आपको व्लॉग्स। एनीवेज अभी निकलते हैं, सुबह ट्रैफिक बहुत कम है, लोकल ट्रैफिक और भी कम है, ट्रक वगैरह बसें वगैरह चल रही हैं, और मौसम कुछ ऐसा दिख रहा है भैया। और ऐसा मौसम दिखना भैया, साल में कोई 2-3 महीने आते हैं ऐसा मौसम देखने को, नहीं तो 6-7 बजे धूप स्टार्ट हो जाती है साउथ पंजाब में। और क्या बताएं आपको, आपको पता ही है, आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा, लाड़ रह गए यहाँ से 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा छुटका सा स्टे करेंगे और एक अपडेट ले लेंगे कि मतलब कितनी हमें देर और लगेगी मुल्तान पहुँचने में। लाड़ आ चुका है और यहाँ से मुल्तान तकरीबन 20 किलोमीटर है, रोड तकरीबन कोई 15 किलोमीटर वैसे ही ख़राब है। उसके बाद आके जैसे मुल्तान स्टार्ट होगा तो रोड हमें अच्छी मिलेगी। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक मारना है, चाय का ब्रेक। आई होप कि यहाँ पे शॉप ओपन हो। ये है टोटल पार्को और काफ़ी अच्छा मिडवे स्टेशन है अगर आप लॉन्ग रेड पे आ रहे हैं, और वो बंद है भैया, फिर भी देख लेते हैं। चाय मुल्तान 22 किलोमीटर, और हमें यहाँ से चाय नहीं मिली है,
तो हमारे नसीब में नहीं लिखा खड़ा होगा। यहाँ पे 8:30 शॉप ओपन होगी और काफ़ी अच्छी होती है कार्डिव। हम ऊपर जा रहे हैं, भागलपुर से मुल्तान आ रहे हैं, तो लाड़ पे टोटल पेट्रोल पंप है जहाँ पे टक शॉप काफ़ी अच्छी बनी हुई है, पिज़्ज़ा शॉप भी बनी हुई है और काफ़ी बेहतर है सर्विस। अगर मैं सफ़र पर जाता हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ। ब्लैक कॉफ़ी से मतलब फुल एक्टिव हो जाता हूँ और सफ़र अच्छा हो जाता है। आज जो हमें ना कॉफ़ी मिली है ना चाय मिली है, शॉप्स ऑफ होती हैं। अक्सर औकात जब भी मैं सुबह सुबह सफ़र करता हूँ तो शॉप्स ऑफ ही मिलती हैं, मतलब 8:30 ओपन होती हैं और लेट नाइट रात के 12-1 बजे तक ओपन होती हैं। 12-1 बजे के बाद और सुबह 8:30 बजे से पहले शॉप्स ऑफ होती हैं तकरीबन हर मेट्रो स्टेशन पर। हमारे पास टाइम भी है, मौका भी है और वक्त भी है। आई होप के सब कुछ अच्छा हो जाए और आज का व्लॉग एकदम मेमोरेबल और ज़बरदस्त हो जाए। मिलते हैं आपको मुल्तान शरीफ में। खातिनों हजरात, आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। मुल्तान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्तान पहुंच जाएंगे और आपसे हम मुखातिब होंगे। इगली वाला चौक जब आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये है बहावलपुर बाईपास रोड। सुबह सुबह का टाइम और हर कोई अपने काम में मगन, मतलब अचानक ही मैंने कहा चलें बाइक देख रहे हैं आप इतने अरसे से, तो आज हम आपको कार की सैर कराते हैं और मुल्तान की सैर कराते हैं, स्पेशली मुल्तान। और आई होप, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज हमें मुल्तान एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। मतलब मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं मुल्तान का एक्सप्लोर करूँगा और इतना बड़ा मुल्तान है, एक्सप्लोर तो बनता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। अगर आप साउथ पंजाब से नहीं हैं या आपने मुल्तान नहीं देखा हो या आप आउट ऑफ कंट्री से हैं या वैसे आप आउट ऑफ कंट्री से हैं तो हम हाजिर हैं, हम आपको मुल्तान की इंफॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। बस कुछ ही देर इंतज़ार कर लीजिए, एयरपोर्ट आने को है और हम आपसे रूबरू होते हैं। रूबरू मिलते हैं आपको मुल्तान के एयरपोर्ट से इंशाल्लाह। यहाँ से आगाज़ हो जाता है मुल्तान की खूबसूरती का, मतलब मेट्रो। मुल्तान में मेट्रो ने 4 चांद लगा दिए। मतलब मेट्रो से पहले रोड्स बहुत छोटी होती थी और काफ़ी रश होता था, रश तो अभी भी होता है लेकिन जो खूबसूरती है मेट्रो की वजह से आउट क्लास। जब ये ट्रेन का ट्रैक हो और ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा हो गाड़ियों वगैरह का तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है और क्रेज़ होता है। मतलब मैं अपनी फुल कोशिश करता हूँ कि विंडो से जैसे कैसे तैसे नीचे झांकूँ, नीचे जाती हुई ट्रेन देखूँ। कई बार मुझे मौका मिल जाता है और वो जो सीन होता है ना, मतलब वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ट्रेन रेलवे के शौकीन हैं तो आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स। रक्षा वाले भैया को रास्ता चाहिए, आ जाओ भैया। People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. Abhi क्रॉस किए हैं घंटा घर, मुल्तान का घंटा घर जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे औलिया कराम के मज़ारात हैं और देखने के लायक जगह है। और सुबह सुबह यहाँ पे रश नहीं था तो और भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अभी मुझे चलना है ज़रूरी काम एयरपोर्ट, नहीं तो हम यहाँ पे रुकते और यहाँ पे आपको ऊपर का मंजर दिखाते। अगर आप मुल्तान आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने अगर एरिया टू एरिया सफ़र करना है तो आप मेट्रो पे कर सकते हैं, और मज़ीद आपने सब एरिया मतलब कहीं और जाना है जहाँ पे मेट्रो का ट्रैक नहीं है वहाँ पे छोटी बसें चलती हैं जिसके ऊपर आप बैठ के आप वहाँ जा सकते हैं। आएँ और विजिट करें मुल्तान। कैसे दे रहे उस्ताद?
मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और आई होप आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही हो, क्लियर कट आ रही हो, और आपको बताएंगे कि हम ये क्यों लेके आए हैं। वेल अंसर भाई आ रहे हैं आज सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान, तो आज हम ये लेके जा रहे हैं, ये काफ़ी लोग लेके जा रहे होते हैं, मतलब रास्ते में भाई खड़े हुए थे ये दे रहे थे, मैंने कहा चलें ले चलते हैं। आजकल फ्लाइट्स कम आ रही हैं और आई होप कि रश कम होगा। अभी हमें मास्क पहनना है, मास्क के अंदर से क्या खुशबू आ रही है, क्योंकि मास्क के साथ हमने रखी थी बबल गम्स और इनकी खुशबू आय हाय हाय क्या बात है, और वही खुशबू हमारे मास्क में शिफ्ट हो गया और अच्छा लग रहा। मास्क चेंज कर दिया, वो ज़रा जच नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलें मास्क अगर पड़े हैं एक्स्ट्रा तो लगा लेते हैं। क्या हम आ गए हैं यहाँ पे बैन अल-अक़वामी अराइवल्स, आ गए हैं भाई ये अंसर भाई। वजन कैसा हुआ सफर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। पीआईए का सफर कैसा रहा? अब कुछ बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई हमने रिसीव कर लिया है अंसर भाई को, मिलाद भी बताएंगे हम। अब यहाँ पे कहाँ पे आए हुए हैं? हम रशीदाबाद आए हुए हैं रेवाड़ी वालों के पास नाश्ता करने। रेवाड़ी का मशहूर नाश्ता, अगर आप मुल्तान आते हैं तो रशीदाबाद में रेवाड़ी वालों का नाश्ता करिए। देसी नाश्ता क्या क्या होता है? देसी रोटी, मक्खन, लस्सी, हर चीज़ होती है। देसी जी हाँ, साग भी साथ होता है। क्या बात है, मतलब आज हम ट्राई करने वाले हैं देसी नाश्ता। ये बताएं जब आपको 3 गाड़ियां और 15 लोग लेने आते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है जी। साल 6 महीने 8 महीने कमाने के बाद जब घर आते हैं ना, ये मौका होता है देखने का, थकावट यहाँ पे दूर उतर जाती है। ये बहुत बड़ा लम्हा होता है। चने, अचार, शक्कर, शक्कर, लस्सी और प्याज, दूर की मिसी रोटी। वाओ, अचार, शक्कर, मक्खन, लस्सी। भाई स्टार्ट कब करना है ये बताएं। You know we met for a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of us. भाई हमने खाया माशाल्लाह जबरदस्त चने और मिस्सी रोटी, लस्सी, बेसन की रोटी होती है वो। जी जी हाँ, मिस्सी रोटी बेसन की होती है और आलू वाला पराठा था। बेसन की रोटी और लस्सी का कम्बिनेशन औसम, और साथ में मक्खन और शक्कर। अहमद भाई कैसा लगा खाना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान का पहला, पाकिस्तान का मुल्तान का पहला नाश्ता कैसा लगा? जबरदस्त। ये मुल्तान की नाश्ता स्वीट है, अगर आपको नाश्ता करना है मुल्तान का देसी, आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक बार जब हम आएंगे तो हम साथ ट्राई करेंगे, बट नाश्ता मज़ा आ गया, मज़ा आया। कहाँ से किया था हमने? रशीदाबाद से, रेवाड़ी वालों से। रेवाड़ी वाले रशीदाबाद का बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था, बस हमने साग को मिस किया। हमने नाश्ता कर लिया, अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे? क्वेटा होटल। कासिम बेला क्वेटा होटल, वहाँ की है मशहूर चाय। नाश्ता करें और चाय ना पिए ये कैसा हो सकता है, मतलब। अब हम चल रहे हैं कासिम बेला की मशहूर चाय, मुल्तान की मशहूर चाय पीने, और हम प्लान कर रहे हैं आसिम भाई के साथ इंशाल्लाह फूड हम एक्सप्लोर कर जाएंगे मुल्तान का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मुल्क के किसी भी हिस्से से मुल्तान आए हैं तो आपको पता हो कि यहाँ पे हमने नाश्ता कहाँ से करना है। आसिम भाई, मैं और बाकी जो मुल्तान के दोस्त हैं, हम सब मिल के कुछ फूड एक्सप्लोर करेंगे मुल्तान का। बाकी मुल्तान ऑसम है भाई। कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, तो हम तो आस पास। उस्ताद ये कैमरे रिजल्ट साफ है। अहमद भाई आप आई तो नहीं है? ना ना।